Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. Today we are discussing about written exam. जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि पिछली बार 68,500 का शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था यूपी में, तो उसका आज हम इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर ट्राई करेंगे, जिससे कि आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, हमें देखना है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिकों से आते हैं, और हमें इस एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो वो सबसे बड़ी मेन बात रहती है कि हमें पढ़ना क्या है। आप पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उस पर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018, मतलब आज हम बात करेंगे, इस प्रश्न पत्र की बात करने जा रहे हैं जो 27 मई 2018 को हुआ था। तो आज हम इसके में बात करेंगे इंग्लिश के पोर्शन की। तो इंग्लिश के पोर्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी, मतलब बी का मैस्कुलिन बताना था। तो मींस मैस्कुलिन होता है ड्रोन, इसका क्या होता है, बी का ड्रोन होता है। इसका मतलब जो मैस्कुलिन जेंडर हैं, तो इन सभी के सभी जेंडरों को आप देख लें एक बार, जिससे कि अब नेक्स्ट कोई पूछा जाए तो आपका आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पैसेज आया था, तो पैसेज में रीड डायरेक्शन, रीड द कंप्रेशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसको आपको पढ़ना है और आपको इसके आंसर देने हैं। तो इसका जो पढ़ना है, द पीपुल टेक केयर कार्स एंड अदर्स रोड व्हीकल्स फ्रॉम ग्रांटेड टूडे, हाउ एवर द आइडिया ऑफ सच व्हीकल्स बाज अनहियर्ड ऑफ अबाउट 500 years ago, then in 1478 the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicles. अब आप देखना, बिल्कुल सेम का सेम आंसर आपको मिल जाएगा, ये चीज लाइन है। तो जो लाइन हो वो उस लाइन को थोड़ा भी केयरफुली पढ़ें। नेक्स्ट है, हिज ड्राइंग शोड ए बॉक्सी ओपन टॉप्ड वुडन मशीन विद थ्री और कॉइल्ड स्प्रिंग वुड मेक द व्हीकल्स मोर समवॉट लाइक आई विंड अप टॉय, मॉडल्स ऑफ लियांडोस व्हीकल्स हैव बीन मेड इन रिसेंट ईयर एंड आर ऑन एग्जीबिट इन म्यूजियम्स इन इटाली। अब इसका जो क्वेश्चन है वो आपका है, व्हाट डिड द लियोनार्डो दा विंसी डिजाइन इन 1478। अब आपको ये मैंने लाइन खींच के बताई थी, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ये सेल्फ टोल्ड। आप देखना बिल्कुल पैसेज में आपका जो का तो मिल जाएगा। अब पैसेज में यहाँ पर डिजाइन वाला ये था, ये पूरा का जो का तो इतना आंसर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से पैसेज को भी केयरफुली पढ़ें और आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, मेंशन ए कॉमन सूटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब फॉलोइंग वर्ड्स कौन से हैं, राइट फ्रेश टेक। अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले वर्ड में जुड़ के बन सकता है, तो वो है। तो आप देखिएगा इसका राइट आंसर वो री है, क्योंकि रिफ्रेश, रीटेक, अब रीराइट। अब आपको ये दो मीनिंगों के अगर कोई प्रीफिक्स पता है, तीसरे वाले का ऑटोमेटिक आपको चल जाता है क्या हो सकता है। अगर जैसे रिफ्रेश पढ़ा होगा आपने काफ़ी, रीटेक पढ़ा होगा, रीराइट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका आंसर क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। इस तरीके से इसका री जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब फर्स्ट, अब क्या लाइन है, इट इज डॉट 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 यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब आर्टिकल आपको भरना है, इसमें फिल करना है, ए आएगा, एन आएगा या डी आएगा। तो यूनिक, तो यूनिक मतलब कॉन्सोनेंट से इसका साउंड चल रहा है, तो इसका कहाँ आएगा, इसमें आएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यूनिक। जैसे जो वॉवेल साउंड निकलते हैं उसमें आर्टिकल एन आता है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है उसमें आर्टिकल ए आता है।
शब्दों पर मत जाइएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके, जैसे हॉनरेबल है, अगर एच से स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से, फिर भी इसके साथ में एन आता है जो ऑनरेबल पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से कई सारे वर्ड होते हैं, तो उनको आप देखते रहें, साउंड से फिल इन द मतलब आर्टिकल्स भरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द बॉयज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द कंप्लीट टेलीफोन, इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब ये एक्टिव वॉइस में, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, तो आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में होता तो ईजीएमआर वॉच वर्ब हेल्पिंग वर्ब 100% आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें क्या है कि खाली वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है क्वेश्चन आपका, तो राइट आंसर इसका हो जाता है एक्टिव वॉइस। वेरी सिंपल पेपर है, इस तरीके से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। अब जो स्वीट है इसमें वो क्या है, प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब तो पहला जो द मैंगोज इन द बास्केट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और जो बचा हुआ है वो आपका हो गया प्रेडिकेट पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द सोल्जर फॉट डॉट 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 करेज। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी है, प्रीपोजिशन कौन सी आ सकती है, तो हमेशा फॉट विद करेज, तो हमेशा इसके साथ में क्या आएगी, विद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, और तो इसमें क्या आएगा प्रीपोजिशन, तो राहुल टोल्ड मी दैट ही वर्कड, इसमें ही वर्क इन द ऑफिस, ही क्यों आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं, तो ये क्या होता है सन बट्टे 1, 2, 3, 123। तो अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा आई क्या फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ चेंज कर लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द सूटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, तो अब नॉट ओनली के साथ हमेशा और हमेशा बट आल्सो आता है, तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। अब इसमें जहाँ कहीं भी आपको नॉट ओनली दिखाई देगा उसके साथ में हमेशा और हमेशा बट आल्सो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का, तो ये यार डायरेक्शन क्या है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको मतलब जो 4 लाइन पोइम की दे रखी है इसको केयरफुली पढ़ना है, और इसका जो आंसर है वो आपको आंसर देना है कि जो एरा वर्ड है उसका क्या आंसर है। अब देखिए पोइम पढ़िए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेयर टू हाइड, लॉक्ड विद मी अनलेस थ्रू माई सोल मोर बेंट। अब देखो वो पूछ रहा है इरा, इरा हाफ माई डेज इन द डार्क, तो इसका अर्थ निकालेंगे, तो जो मेरे आधे दिनों में मेरे क्या हुआ था उस टाइम पहले, मेरा जो इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब मेरे लिए संसार था वो अंधकारमय और बहुत विस्तृत हो गया था, तो यहाँ इरा का मतलब होता है पहले, मतलब बिफोर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बिफोर। सो गाइस ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से इस बार भी 10 क्वेश्चन रिटन एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरा पेपर आप सॉल्व देखते रहिएगा, जिससे कि आसानी से आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी एग्जाम में बैठने में, और कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीटेट की भी हमारी सीरीज चल रही है, तो वो भी देखते रहें, और 68,500 के लिए हमने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं, और सिलेबस पर भी चर्चा की है, तो किस तरीके से सिलेबस को पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको आसानी से अच्छे मार्क्स गेट हो सकें। सो गाइस जितना हो सकता है हम इंपोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो गाइस बने रहने के लिए हमारे साथ में धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।